नमस्कार, मैं हूं अभिषेक चंद्रा और आप देख रहे हैं livecities.in। लाइव सिटीज के पटना न्यूज रूम से इस पल की बड़ी ब्रेकिंग खबर। बड़ी ब्रेकिंग खबर आ रही है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दफ्तर से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अभी निर्णय लिया है कि बिहार में भी बिहार सरकार द्वारा पेट्रोल और डीजल के दामों में कमी की जाएगी। अभी बिहार सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है। कल केंद्र की नरेंद्र मोदी की सरकार ने पूरे देश में 2.5 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल और डीजल के दामों में कमी की थी और उसके बाद केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बताया था कि वो जो तमाम राज्य सरकार हैं उन्हें भी चिट्ठी लिखकर ये बात कह रही है कि देश की जनता को महंगाई से राहत देने के लिए राज्य सरकार भी अपने वैट के कोटे से दामों में कमी करे। और इसी बात का बड़ा असर बिहार में भी हुआ है, बिहार सरकार पर भी हुआ है। और बिहार सरकार ने अभी एक महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए बिहार के आम नागरिकों को अपने कोटे से भी 2.5 रुपये प्रति लीटर जो है वो पेट्रोल और डीजल के दामों में कमी करने का फैसला किया है। ये वो प्रेस विज्ञप्ति है जो कि जिसे कि बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री के कार्यालय ने अभी जारी किया है। ये कहता है कि मुख्यमंत्री ने आम जनता को दी बड़ी राहत, सरकार ने पेट्रोल और डीजल की वैट दर घटाई, पेट्रोल 2.52 रुपये प्रति लीटर और डीजल 2.55 रुपये प्रति लीटर सस्ता हुआ। आगे ये प्रेस जो रिलीज है वो ये कहता है कि मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने वैट दर घटाकर पेट्रोल और डीजल के दामों में कमी करते हुए आम जनता को बड़ी राहत दी है। सरकार ने पेट्रोल पर वैट की दर को 26% से घटाकर 22.20% तथा हाई स्पीड डीजल पर वैट का दर जो है उसे 19% से घटाकर 15% कर दिया है। वैट दर घटाने से पेट्रोल 2.52 रुपये प्रति लीटर सस्ता और डीजल 2.55 रुपये प्रति लीटर सस्ता हो जाएगा। तो कुल मिलाकर करके लाइव सिटीज के पटना न्यूज रूम से इस पल की बड़ी ब्रेकिंग खबर है कि बिहार सरकार ने भी अपने जो वैट के कोटे से पूरे बिहार में पेट्रोल और डीजल के का दाम जो है वो घटाने का निर्णय लिया है। अब तक जो ये प्रेस रिलीज है ये कहता बता रहा है कि पूरे जो प्रदेश हैं उसमें जो पेट्रोल के दाम थे उस पर 26% का वैट लगता था, इस 26% के वैट को कमी करते हुए 22.20 यानी कि 22.20% किया गया है, लगभग 4% की को घटाया गया है। और इससे पहले डीजल पर पूरे बिहार में 19% का वैट लगता था, इस 19% को घटा करके नए फैसले में 15% किया गया है। यानी कि बिहार सरकार अब डीजल पर नए स्लैब के अनुसार, नए दर के अनुसार केवल 15% का वैट लेगी और पेट्रोल पे 22% का वैट लेगी। और इसका असर ये होगा कि पूरे राज्य में तत्काल प्रभाव से जो है पेट्रोल और डीजल के दाम और कम होंगे। यानी कि लगभग मान लें कि कल की स्थिति में और आज की स्थिति में बिहार में पेट्रोल और डीजल दोनों 5-5 रुपए सस्ते हो जाएंगे। अभिषेक चंद्रा, लाइव सिटीज, पटना।